हड़कंप मच गया है। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण को कल पूछताछ के लिए बुलाया है, तो उनके लिए सवालों की लंबी लिस्ट भी तैयार है। यानी कि एनसीबी ने दीपिका पादुकोण के लिए अपने सवालों का चक्रव्यूह तैयार किया है। वो सवाल आपको बताएंगे, वो रिपोर्ट आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन से सवाल दीपिका पादुकोण के सामने कल रखे जाएंगे। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें, तैयार कर ली है पूरी लिस्ट सवालों की दीपिका पादुकोण से पूछने के लिए। न्यूज 18 इंडिया सुपर एक्सप्लोसिव, दीपिका पादुकोण के लिए 6 सवालों का चक्रव्यूह। अब बेनकाब होगी दीपिका की ड्रग्स मंडली। एनसीबी के सामने खुलेगा दीपिका का हर राज। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल तलाश रही एनसीबी के सामने, जब से दीपिका पादुकोण का नाम आया है तब से बॉलीवुड में एक बहुत बड़े खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज 18 के पास इस बात की पुख्ता जानकारी हाथ लगी है कि दीपिका पादुकोण से एनसीबी आखिर कौन कौन से सवाल कर सकती है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि एनसीबी ने दीपिका पादुकोण से ड्रग्स गैंग का सच उगलवाने के लिए कुल 6 सवालों का चक्रव्यूह तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी दीपिका पादुकोण से ये सवाल कर सकती है। सवाल नंबर 1, क्या करिश्मा प्रकाश आपके लिए ड्रग्स का इंतजाम करती थी? सवाल नंबर 2, क्या क्वान फिल्मी सितारों को टैलेंट मैनेजमेंट के अलावा दूसरी सर्विस भी देती थी? सवाल नंबर 3, क्या आप ड्रग्स लेने वालों या सप्लाई करने वालों को जानती हैं? सवाल नंबर 4, क्या ड्रग्स सप्लाई वाली व्हाट्सएप चैट का आप हिस्सा थीं? सवाल नंबर 5, क्या आपके किसी व्हाट्सएप ग्रुप में रिया भी शामिल हैं? सवाल नंबर 6, क्या सुशांत के ड्रग्स इस्तेमाल की आपको कोई जानकारी है? दरअसल दीपिका पादुकोण का नाम ड्रग्स एंगल में उस वक्त सामने आया जब सुशांत की टैलेंट मैनेजर रही जया साहा ने न सिर्फ एनसीबी के सामने फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम लिए, बल्कि एक व्हाट्सएप चैट में डी और के जैसे अंग्रेजी अक्षरों ने सवाल खड़े किए। जांच एजेंसी को पता चला कि जिस ड्रग्स चैट में डी और के बीच बातचीत चल रही है वो कोई और नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश हैं। के, क्या तुम्हारे पास माल है? मेरे पास है लेकिन घर में है, मैं बांद्रा में हूँ। क्या मैं अमित से कहूँ अगर तुम्हें चाहिए तो? हाँ प्लीज। अमित के पास है, वो उसे लेकर आ रहा है। हैश ना, वीट नहीं। तुम किस समय को आ रही हो? 11:30 या 12 बजे। शैल किस समय वहाँ पहुँच जाएगा? मुझे लगता है कि उसने 11:30 कहा क्योंकि उसे 12 बजे दूसरी जगह पर पहुँचना था। जब तक दीपिका पादुकोण के नाम का खुलासा नहीं हुआ था, उससे पहले श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, राकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा जैसे फिल्मी सितारों तक ड्रग्स एंगल की आंच पहुंच चुकी थी। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स माफिया का जिक्र कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दीपिका पादुकोण ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही जानी मानी और बहुत ही अट्रैक्टिव अभिनेत्री है, और उनके बारे में भी मतलब एनसीबी के पास कुछ जानकारी मिल रही है कि भाई दीपिका पादुकोण भी मतलब ड्रग लेती थी, ड्रग देती थी, तो इसी तरह का आरोप उनके ऊपर भी मतलब आ रहा है। तो एनसीबी अभी उनकी भी इंक्वायरी करेगी। तो फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग जो माफिया है ये बहुत बड़ी संख्या में घुस गए थे। वहीं बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के इस्तेमाल पर जांच और कार्रवाई की मांग की है। गुप्तेश्वर पांडे ने दावा किया कि अगर उन्होंने सुशांत मामले में केस नहीं किया होता तो न तो रिया जेल जाती और न ही दूसरे लोग। ड्रग का धंधा वो मुंबई के पूरे बॉलीवुड में पसरा हुआ है, बड़े बड़े लोग हैं, और मैंने अगर ये केस नहीं किया होता तो रिया न जेल जाती, न उनके भाई जेल जाते, न अन्य जो लोग की गिरफ्तारी हुई है वो जेल जाते, न ये ड्रग का रैकेट
कभी भी ये एक्सपोज होता, वो इनोसेंट उनको लोग समझते रहते और इमोशनल ट्वीट भी करती रहती, लेकिन अब ये ड्रग का रैकेट उजागर हो गया है और ये बहुत लंबा इन्वेस्टिगेशन जाएगा और बड़ी बड़ी मछलियां इसमें जाएंगी। फिलहाल जिस तरह से ड्रग्स एंगल में जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई और चेहरे भी बेनकाब होने वाले हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों की चिंता तब से और ज्यादा बढ़ गई है जब से दीपिका पादुकोण, सोहा अली खान, श्रद्धा कपूर जैसी अभिनेत्रियों का नाम सामने आया है। ये एक बड़ा कारण है कि फिल्मी पर्दे पर डायलॉगबाजी करने वाले बहुत सारे लोगों की जुबान बंद है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है ड्रग्स केस में, ये सबसे बड़ी खबर है। दीपिका पादुकोण ने एनसीबी के नोटिस का जवाब दे दिया है। दीपिका की तरफ से एनसीबी को कहा गया है कि वो कल ही ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी। और इससे पहले दीपिका पादुकोण अब से थोड़ी देर पहले गोवा से मुंबई के लिए रवाना हो गई है। यही नहीं, सारा अली खान भी गोवा से मुंबई के लिए रवाना हो गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, आनंद तिवारी। आनंद, फिलहाल क्या खबर? एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन के दायरे को जिस तरह से बढ़ते हुआ देखा जा रहा है। जी देखिए प्रीति, जो एनसीबी सोर्सेज बता रहे हैं कि दीपिका पादुकोण को सम्मन मिल गया था और उन्होंने उस सम्मन का रिप्लाई भी एनसीबी को भेजा है कि वो पूछताछ में शामिल होंगी। यानी ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कल 25 तारीख का जो उन्हें सम्मन था, इसी गेस्ट हाउस में सेकंड फ्लोर पर दीपिका पादुकोण पहुँचेंगी और यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन KPS मल्होत्रा और उनकी टीम जो है वो दीपिका पादुकोण से पूछताछ करेगी। 15/2020 कंप्लेंट केस जो फाइल हुआ था दिल्ली में, जिसमें रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी बनाई गई थी। उसके बाद 16/2020 जिसमें कई पेडलर्स पकड़े गए थे, उसमें रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी। कल जब यहां पर दीपिका पादुकोण पहुंचेंगी तो उनसे दो पैटर्न में पूछताछ हो सकती है। या तो जो उनसे सवाल करे जाएंगे उसमें जो वो जवाब देंगी, एनसीबी के जो अधिकारी हैं उन जवाबों को पेन कागज पर नोट करेंगे, या जिस तरह से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई थी उस पैटर्न में भी पूछताछ हो सकती है कि खुद दीपिका पादुकोण को पेन कागज दिया जाए और जो सवाल एनसीबी के अधिकारी उनसे पूछेंगे उसके जवाब दीपिका पादुकोण। और इस बीच एक चौंकाने वाली खबर आ रही है ड्रग्स मामले में, दीपिका के कनेक्शन से जुड़ी हुई यह खबर है। रिया सुशांत ड्रग्स केस में एनसीबी की जांच में सामने आए फिल्म इंडस्ट्री के नामों में एक नाम दीपिका का भी है, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर दीपिका को ट्रोल किए जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। डिप्रेशन से जूझ चुकी दीपिका ने हमेशा से डिप्रेशन और मेंटल इलनेस जैसे मुद्दों पर दिल खोलकर अपनी बात रखी है। सुशांत की मौत मामले में डिप्रेशन की बात आने पर दीपिका ने सोशल मीडिया पर जो आवाज उठाई थी वो अब उन्हीं पर उल्टी पड़ने लगी है। ताजा मामला शुरू हुआ है एक्टर शर्लिन चोपड़ा के एक वीडियो से, जिसमें शर्लिन ने दीपिका को डिप्रेशन से जुड़े अपने विचार बदलने की नसीहत दे डाली। ड्रग्स के जंजाल में फंसी दीपिका पादुकोण, ड्रग्स से जुड़ने लगे डिप्रेशन के तार। एक्टर शर्लिन चोपड़ा का दीपिका पर निशाना, दीपिका को डिप्रेशन से जुड़े विचार बदलने की नसीहत। इस वक्त की सबसे चौंकाने वाली खबर ड्रग्स मामले में दीपिका के कनेक्शन से जुड़ी। एक्टर शर्लिन चोपड़ा ने ड्रग्स और डिप्रेशन को जोड़कर दीपिका को सोशल मीडिया पर आड़े हाथों लिया है। फिल्म इंडस्ट्री को लगी ड्रग्स नाम की इस ठोकर ने काफी चोट पहुंचाई है और दीपिका को भी इस मामले में कम चोट नहीं लगी है। रिपीट आफ्टर मी, नार्कोटिक्स इंडल्जेंस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। रिपीट आफ्टर मी, नार्को टेररिज्म इज इलीगल। Repeat after me, drug abuse is unsafe, especially for the youth of the nation. Repeat after me, I will not engage in drug abuse. दीपिका के तार सुशांत ड्रग्स केस से जुड़ते ही एक्टर शर्लिन चोपड़ा उन पर हमलावर हो गई हैं। शर्लिन ने दीपिका के डिप्रेशन से जुड़े पुराने पोस्ट का हवाला देते हुए उन पर जमकर निशाना साधा। सुशांत की मौत के बाद जब सुशांत के डिप्रेशन की वजह से सुसाइड की खबरें सामने आई थी, तब दीपिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डिप्रेशन को लेकर कई पोस्ट शेयर की थी। इनमें लिखी बातों में लिखा था, मेरे साथ कहिए डिप्रेशन एक बीमारी है, मेरे साथ कहिए
डिप्रेशन एक दिमागी बीमारी है। मेरे साथ कहिए, डिप्रेशन किसी भी दूसरी बीमारी जैसा है। मेरे साथ कहिए, डिप्रेशन कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारी है। मेरे साथ कहिए, डिप्रेशन मतलब दुखी महसूस करना नहीं। मेरे साथ कहिए, डिप्रेशन मतलब उदासी नहीं। मेरे साथ कहिए, डिप्रेशन से एकदम से बाहर नहीं आ सकते। मेरे साथ कहिए, डिप्रेशन से बचा जा सकता है। मेरे साथ कहिए, डिप्रेशन ठीक हो सकता है। 21 जून को ट्विटर पर दीपिका की इन्हीं पोस्ट पर अब शर्लिन चोपड़ा ने निशाना साधा है। डिप्रेशन इज एन इलनेस, तो क्या ये माना जा सकता है कि ये जिस डिप्रेशन की बात कर रही हैं वो ड्रग अब्यूज रिलेटेड है? सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए शर्लिन ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया भर में डिप्रेशन के पीछे ड्रग्स का हाथ होता है। देखिए, ग्लोबल रिसर्च ये कहता है कि 90% डिप्रेशन केसेस का ताल्लुक होता है ड्रग अब्यूज के साथ। इसी के साथ शर्लिन ने दीपिका की पोस्ट की तर्ज पर ड्रग्स और डिप्रेशन से जुड़े अपने ही स्लोगन बना डाले और दीपिका को अपने विचार बदलने की सलाह दी। मुझे लगता है कि दीपिका पादुकोण को अपना ये जो स्लोगन है, रिपीट आफ्टर मी डिप्रेशन इज एन इलनेस, इसे चेंज कर देना चाहिए या अपडेट करना चाहिए। नया स्लोगन होना चाहिए, रिपीट आफ्टर मी नार्कोटिक्स इंडल्जेंस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, रिपीट आफ्टर मी नार्को टेररिज्म इज इलीगल, रिपीट आफ्टर मी ड्रग अब्यूज इज अनसेफ एस्पेशली फॉर द यूथ ऑफ द नेशन, रिपीट आफ्टर मी ड्रग अब्यूज लीड्स टू डिप्रेशन इन मोस्ट केसेस, रिपीट आफ्टर मी आई विल नॉट एंगेज इन ड्रग अब्यूज, रिपीट आफ्टर मी डिप्रेशन इज नॉट एन इलनेस। ड्रग्स केस में नाम आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर दीपिका लगातार ट्रोल हो रही है और इसकी एक बड़ी वजह यही है कि दीपिका हमेशा से ही डिप्रेशन से जूझने की अपनी कहानी दुनिया को सुनाती आई है। आई थिंक व्हाट वाज टफ वाज नॉट बीइंग एबल टू टॉक टू एनीवन बिकॉज आई डोंट थिंक एनीवन अंडरस्टूड व्हाट आई वाज एक्सपीरियंसिंग। सो इफ आई'ड से I'm not feeling, and I didn't know myself initially how to describe it. I've just, all of these terms of, I knew what I was feeling, but I don't think I was able to communicate entirely what I was feeling. Twitter पर फिल्मों और एक्टर्स को अक्सर निशाने पर लेने वाले KRK यानी कमाल आर खान ने भी दीपिका की दम मारो दम गाने की तस्वीर शेयर कर दीपिका के डिप्रेशन को नकली बता डाला और जया साहा की चैट में उनकी ड्रग्स मांगने वाली लाइन को लिखते हुए ट्वीट किया, माल है क्या। और अब ट्विटर पर दीपिका पादुकोण को बॉयकॉट करने के साथ ही उनसे जुड़े कई मीम्स भी जमकर वायरल हो रहे हैं और लोगों को यकीन हो गया है कि अब रिया के बाद दीपिका के जेल जाने का नंबर आ गया है। एक मीम में रिया जेल में दीपिका के स्वागत में आरती की थाली लेकर खड़ी नजर आ रही है, तो एक और मीम में किसी ने दीपिका की एक हंसती और एक रोती तस्वीर लगाकर उनके पार्टी से पहले और पार्टी के बाद की हालत बयां की है। एक ट्रोल ने रणवीर सिंह की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, दीपिका पादुकोण के मुताबिक रणवीर सिंह नॉर्मल है और सुशांत डिप्रेशन में थे। वहीं कुछ तो यूट्यूब पर दीपिका के वीडियोस को डिसलाइक करने की तैयारी में भी बैठ चुके हैं। इससे पहले कंगना रनौत भी ड्रग्स रैकेट में दीपिका पादुकोण का नाम उछलने के बाद तीखे तेवर दिखाते हुए ट्विटर पर दीपिका पर हमला बोल चुकी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, डिप्रेशन ड्रग्स के दुरुपयोग का नतीजा है जो अमीर स्टार्स के बच्चे हाई क्लास होने और अच्छी परवरिश होने का दावा करते हैं वो अपनी मैनेजर से पूछते हैं, माल है क्या। जाहिर है दीपिका जैसी बड़ी एक्टर के ड्रग्स मामले में नाम आने से लोगों को उन पर निशाना साधने का मौका मिल गया। अब देखना होगा कि एनसीबी की जांच में दीपिका कहां तक फंसती है। वैसे इस मामले ने उनके लाखों फैंस का दिल जरूर तोड़ दिया है।
सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सुशांत का काम देखने वाली टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी कौन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। कौन को सुशांत ने 48 लाख रुपए दिए थे। सुशांत ने 3 महीने में कौन को 48 लाख रुपए ट्रांसफर किए। वहीं कौन ने रिया को 26 लाख रुपए भेजे थे। कौन के सीईओ से पूछताछ के दौरान यही जानकारी मांगी गई है कि रिया को ये पैसे किस वजह से भेजे गए थे। ऐसे में सवाल यहां ये उठ रहे हैं कि कहीं कौन ने सुशांत के दिए 48 लाख रुपए ही रिया को 26 लाख रुपए तो नहीं उसके दौरान लौटा दिए थे। क्या वही पैसे लौटाए गए थे। इस बात का जवाब चाहिए कौन के सीईओ से। इधर सुशांत केस में एक और बड़ी खबर एनसीबी के दफ्तर से, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब अपनी तफ्तीश में उन तमाम वीडियोस को भी शामिल कर लिया है जिनमें सेलिब्रिटी दिखाई दे रहे हैं, जहां ड्रग्स के इस्तेमाल का अंदेशा है। ऐसे में इस वक्त वो वीडियो सुर्खियों में छाया हुआ है जो कुछ अर्से पहले सामने आया था, जिसमें कई फिल्मी सितारे पार्टी करते दिखाई दिए थे। न्यूज 18 इंडिया को पता चला है कि ड्रग्स के इस मामले को खंगालते हुए अब तक एनसीबी के रडार पर 50 फिल्मी हस्तियां आ चुकी हैं। सुशांत केस में सबसे बड़ी खबर, एनसीबी ने बढ़ाया जांच का दायरा, वीडियो को बनाया बड़ा सुराग, एनसीबी के कदम से उड़ी बॉलीवुड की नींद, पार्टियों में ड्रग्स के इस्तेमाल का मिला सुराग। कई ड्रग पेडलर ने बताए एनसीबी को नए नाम। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। सुर्खियों में आया फिल्मी सितारों की पार्टी वाला वीडियो, अब सुशांत मामले में ड्रग्स एंगल के समूचे बॉलीवुड को खंगालने में जुटी एनसीबी की तफ्तीश का हिस्सा बन चुका है। ड्रग्स मामले में एनसीबी दीपिका पादुकोण, सिमोन खंबाटा और रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ करने वाली है, क्योंकि इन सभी के नाम जया साहा ने बताए थे, जो इस वक्त एनसीबी के सवालों का सामना करने के बाद अपना मुंह और मोबाइल दोनों ही खोल चुकी है। जया ने दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश का नाम बताया था। ड्रग्स के ही मामले में श्रद्धा कपूर और सारा अली खान भी उन लोगों में शामिल है जिन्हें एनसीबी समन दे चुकी है, और इन लोगों को भी सवालों का सामना करना पड़ेगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ड्रग्स के एंगल पर जांच एजेंसियों की छानबीन ने इस वक्त बॉलीवुड की नींदें उड़ा रखी हैं। बॉलीवुड की पार्टियों में होने वाले ड्रग्स के इस्तेमाल के बारे में खुलासे हुए तो फिर एक्टर का नाम सामने आना भी लाजमी था, और एक के बाद एक कई ऐसे नाम सामने आ भी गए जिन्होंने बॉलीवुड की तरफ हसरत भरी निगाह से देखने वालों को हिकारत से देखने को मजबूर कर दिया। इस मामले में सबसे पहले रिया चक्रवर्ती ने मुंह खोला और उसके व्हाट्सएप चैट ने सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर ही रख दिया। इसके बाद बारी आई उन ड्रग पेडलर्स की जिनके नाम रिया और रिया के भाई शौविक से पूछताछ में सामने आए, और एक बार ड्रग पेडलर एनसीबी के शिकंजे में आए तो बॉलीवुड के कई बड़े नाम खुलते चले गए। आलम यह है कि इस समय बॉलीवुड की कम से कम 50 हस्तियां एनसीबी के रडार पर हैं। बॉलीवुड की 50 हस्तियां एनसीबी के रडार पर, कई और नामों का खुलासा होने के आसार। पार्टी के वीडियो की छानबीन में जुटा एनसीबी, वीडियो में दिखने वाले लोगों पर लगी निगाह। ये वीडियो इस वक्त एनसीबी की तफ्तीश का हिस्सा है। इसी बीच न्यूज 18 को जानकारी ये भी मिली है कि ऐसे जितने भी वीडियो एनसीबी के सामने आ रहे हैं उन सभी का एक एक फ्रेम एनसीबी खंगाल देना चाहती है, और वीडियो में दिख रही हस्तियों पर भी एनसीबी ने खास तौर पर अपनी नजरें टिका रखी हैं। दीपिका पादुकोण की चैट तो सामने आ ही चुकी है जिसमें वो ड्रग्स मांग रही हैं, जबकि कुछ अरसा पहले ही सामने आए एक बॉलीवुड सितारों की पार्टी के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी थी।
पिछले साल के आखिर में हुई इस पार्टी में कई बड़े और नामी कलाकार दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो भी सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन के मामले में दीपिका का नाम सामने आने के बाद तेजी से वायरल हुआ है, जिसे लेकर दावा किया गया है कि उस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ। एनसीबी के सूत्रों ने यह बताया है कि वो हर सुराग और सबूत को खंगालने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे जिसमें ड्रग का जरा सा भी इस्तेमाल किया गया हो और जिसमें सेलिब्रिटी शामिल हो। एनसीबी सूत्रों से यह बात भी सामने आई है कि उनके पास अब तक एक दर्जन से ज्यादा ड्रग्स वीडियो सामने आ चुके हैं और ऐसे में वो अब इस वीडियो की जाँच करने में जुटे हुए हैं और जाँच के बाद ही वो आगे का कदम उठाएंगे। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सुशांत केस के बाद और ड्रग्स एंगल के सामने आने के बाद बॉलीवुड के अच्छे दिन हवा हो गए हैं, जबकि अंधेरे वाले दिन अब छाने लगे हैं। न्यूज 18 की पड़ताल में सामने आया है कि इस तरह की बंद कमरों की पार्टी में ड्रग्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। एक्सक्लूसिव खबर ये है कि एनसीबी को इत्तला मिली है कि एक बड़े निर्माता निर्देशक के घर पर आयोजित एक पार्टी में जमकर ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ। जाहिर है फिल्मी जगत पर चढ़े इस ड्रग्स के नशे को उतारने के लिए अब एनसीबी ने अपनी रणनीति को बदला है और अब वो हर उस सुराग पर भी नजर दौड़ाने लगी है जिसे अब तक नजरअंदाज किया जाता रहा। और इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के एक अधिकारी क्षितिज प्रसाद को समन किया है। एनसीबी ने कल सुबह 11 बजे क्षितिज को पूछताछ के लिए बुलाया है। क्षितिज की तलाशी में आज सुबह एनसीबी ने छापे भी मारे, लेकिन वर्सोवा इलाके में अपने घर पर वो नहीं मिले। गिरफ्तार ड्रग्स डीलर ने क्षितिज का नाम लिया था। हमारे साथ आनंद, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आनंद, धर्मा प्रोडक्शन के अधिकारी क्षितिज के इन्वॉल्वमेंट को लेकर क्या इनपुट्स और आए हैं सामने? क्षितिज प्रसाद जो है वो जी आनंद, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। एक बार फिर से ये अहम खबर बता दें, दरअसल एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के एक अधिकारी जिनका नाम क्षितिज प्रसाद है उन्हें समन किया है। उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये है क्षितिज प्रसाद, जिन्हें एनसीबी ने कल सुबह 11 बजे क्षितिज को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ड्रग्स मामले में सबसे बड़ी खबर, एनसीबी ने मुंबई में की छापेमारी। धर्मा प्रोडक्शंस के एक बड़े अफसर की तलाश, क्षितिज की तलाश में एनसीबी के छापे, पूछताछ के लिए एनसीबी का क्षितिज को समन। न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इंडस्ट्री के ड्रग्स मामले में बड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास एनसीबी के गेस्ट हाउस में लगातार पूछताछ का दौर जारी है। आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा और सुशांत की बिजनेस मैनेजर रही श्रुति मोदी से पूछताछ कर रहा है, और कल एनसीबी दीपिका पादुकोण और क्वान की मैनेजर करिश्मा के अलावा धर्मा प्रोडक्शंस के क्षितिज प्रसाद से पूछताछ करेगा। इन्हीं क्षितिज प्रसाद का नाम अब ड्रग्स की खबरों में सबसे अहम बनकर उभरा है, क्योंकि क्षितिज प्रसाद वो शख्स है जो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े ग्रुप धर्मा प्रोडक्शंस के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जैसे बड़े पद पर काबिज है। बॉलीवुड ड्रग्स एंगल की तफ्तीश कर रही एनसीबी अब तक के सबसे अहम किरदार क्षितिज प्रसाद से पूछताछ करने की तैयारी कर चुका है। यही वजह है कि उन्हें समन किया गया है और उन्हें एनसीबी की पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। क्षितिज प्रसाद करण जौहर के बेहद करीबी हैं और उनका नाम एक ड्रग पेडलर से पूछताछ के बाद सामने आया है। ड्रग पेडलर अनुज केशवानी ने लिया क्षितिज का नाम। ड्रग पेडलर के बयान पर क्षितिज प्रसाद को समन। करण जौहर की कंपनी में काम करते हैं क्षितिज प्रसाद। क्षितिज प्रसाद कई बड़े हीरो हीरोइन के साथ धर्मा प्रोडक्शंस के मालिक करण जौहर के सीधे संपर्क में रहते हैं। ऐसे में जब उनका नाम एक ड्रग पेडलर की पूछताछ में सामने आया तो एनसीबी के कान खड़े हो गए और क्षितिज की तलाश में मुंबई के चार बंगलो इलाके में छापेमारी भी की गई। लेकिन जब क्षितिज नहीं मिले तो उन्हें कल एनसीबी ने सामने हाजिर होने के लिए समन जारी कर दिया। और इस वक्त की चौंकाने वाली खबर फिल्म इंडस्ट्री की ड्रग्स मंडली से निकलकर आ रही है, जिसमें अब छोटा पर्दा यानी टीवी इंडस्ट्री भी जुड़ गई है। सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद एनसीबी के हाथ कई और ड्रग डीलर लगे जिनके पास ड्रग्स को मिले ही, साथ ही साथ कई राज भी हुए जो बेपर्दा हैं।
दरअसल मनोरंजन की दुनिया का एक अलग ही रूप सामने आ रहा है इस केस में। ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुई रिया ने जहां फिल्म इंडस्ट्री के बड़े चेहरों के नाम बताए, तो वहीं एनसीबी के हत्थे चढ़े कई ड्रग डीलर ने टीवी इंडस्ट्री के 30 एक्टर के नाम ले लिए हैं, जिनके बाद उन पर एनसीबी का शिकंजा जल्द ही कस सकता है। दो टीवी एक्टर अभिगेल पांडे और सनम जौहर के नाम पहले ही सामने आए थे, तो अब एनसीबी ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों एक्टर के घर छापा मारा, जहां से जांच एजेंसी को ड्रग्स भी मिली। वहीं एनसीबी ने अभिगेल और सनम जौहर से 5 घंटों तक पूछताछ की है, लेकिन आज फिर दोनों से पूछताछ की गई, जिनमें दोनों ने कई एक्टर के नाम बताए हैं। ड्रग्स मंडली के तार टीवी की दुनिया से जुड़े। टीवी एक्टर अभिगेल पांडे और सनम जौहर पर शिकंजा। अभिगेल और सनम के घर से ड्रग्स बरामद। ड्रग्स मंडली में टीवी इंडस्ट्री के 30 एक्टर शामिल। इंडस्ट्री की ड्रग्स मंडली का गहरा जाल अब इस कदर कसता जा रहा है कि उसके लपेटे में छोटे बड़े कई एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अब टीवी एक्टर भी आ गए हैं। रिया से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किए गए अनुज केसवानी, करमजीत और संकेत ने एनसीबी को कई गहरे राज बताए और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के नाम उगलने शुरू कर दिए। अभिगेल पांडे और सनम जौहर का नाम पता चलते ही एनसीबी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए दोनों के घर छापा मारा, जहां से उन्हें गांजा बरामद हुआ और फिर दोनों से पूछताछ का 5 घंटों का सिलसिला चलता रहा। लेकिन एनसीबी को ड्रग्स मंडली के उलझे राज खोलने में मदद नहीं मिली, जिसके बाद एनसीबी ने आज भी अभिगेल और सनम को पूछताछ के लिए बुलाया, जिसमें अभिगेल और सनम ने ड्रग्स से जुड़े कई लोगों के नाम बताए, जिनके आधार पर एनसीबी ने छापेमारी की। अभिगेल और सनम ने सुशांत से जुड़ी कई जानकारियां एनसीबी को बताई हैं, जबकि टीवी इंडस्ट्री के कई राज भी खोले हैं। अभिगेल और सनम के अलावा ड्रग्स डीलर करमजीत ने भी एनसीबी को कई राज बताए हैं। एनसीबी की पूछताछ में ड्रग डीलर करमजीत ने कई कलाकारों को ड्रग्स सप्लाई करने की बात कबूल की है। करमजीत ने 150 कलाकारों की लिस्ट बना रखी थी, जिसमें से कई एक्टर्स भी थे जिन्हें वो ड्रग्स सप्लाई किया करता था। करमजीत की ही निशानदेही पर आज एनसीबी ने मुंबई के कई इलाकों में छापेमारी की है। उधर अनुज केसवानी ने जिन एक्टर के नाम लिए हैं, उनमें कई बड़े एक्टर ही नहीं, छोटे कलाकार भी शामिल हैं, जबकि कई छोटे कैरेक्टर आर्टिस्ट भी ड्रग्स मंडली का हिस्सा हैं। अभिगेल और सनम से भी आज पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। अभिगेल पांडे और सनम जौहर टीवी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर हैं, जो टीवी स्क्रीन पर ही नहीं असल जिंदगी में भी खास दोस्त हैं। दोनों रियलिटी टीवी शो नच बलिए में भी दिख चुके हैं, जहां सनम अभिगेल को सगाई की अंगूठी भी पहना चुके। दिल्ली के रहने वाले हैं और उन्होंने टीवी के एक शो डांस इंडिया डांस के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। बाद में वो कई डांस रियलिटी शो का हिस्सा रह चुके हैं। सनम पेशे से कोरियोग्राफर भी हैं, जिनके फैंस में ज्यादातर बच्चे और कम उम्र की लड़कियां शामिल हैं। जबकि टीवी शो क्या दिल मिल गए से अभिगेल पांडे ने अपना टीवी करियर शुरू किया था।
13 साल से अबिगेल टीवी इंडस्ट्री का हिस्सा है और कई जाने माने शो से अपनी पहचान बना चुकी है। दोनों की जोड़ी को लोग खूब पसंद करते हैं और दोनों हमेशा विवाद से दूर रहे हैं, लेकिन इस बार दोनों ऐसे विवाद में फंसे हैं कि जिससे बाहर निकलना आसान नहीं है। जिस तरह से लगातार टीवी इंडस्ट्री के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उससे लगता है कि अबिगेल और सनम की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने ड्रग्स केस में एनसीबी की जांच पर सवाल उठाए हैं। विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया है कि जांच के नाम पर सिर्फ उन्हीं कलाकारों को फंसाया जा रहा है जो केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जो जो इनके सत्ताधारियों के केंद्र के नीतियों के खिलाफ बात की, अब तो दीपिका का नाम क्यों आया? तो वो कहाँ जाकर आई? दिल्ली में कौन से यूनिवर्सिटी में जाकर आई? हमें बताने की आवश्यकता नहीं। अब जो बराबर इनके विचारों के विपरीत, इनके करतूतों के खिलाफ अगर कोई आवाज़ करता है, तो उसी को बराबर ट्रैप करने का काम, दबाने का काम उसका आवाज़, उसको कहीं लटकाने का काम, उसको कहीं उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने का काम, यही हो रहा है। ये कोई डेमोक्रेसी चल रही है? और साथ ही विजय वडेट्टीवार ने बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर भी निशाना साधा और सुशांत केस को सियासत का जरिया बनाने का आरोप लगा दिया। तो ये गुप्तेश्वर पांडे जैसे नालायक ऑफिसर के वजह से महाराष्ट्र पुलिस बदनाम हुई, महाराष्ट्र पुलिस को कड़घरे में इसने खड़ा किया, जो कि हालांकि वो आईपीएस ऑफिसर या डीजी करके एक पुलिस में, पूरे देश के पुलिस में एक धब्बा है, एक दाग है, जो कि इसके बड़े होदे पर होते हुए भी आज राजनीति प्रेरित वो उस कुर्सी पर बैठकर बात कर रहा था, और इसलिए आज उसका असली चेहरा लोगों के सामने उसका ओपन हुआ है। और ड्रग्स मामले में न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल में यह पता चला है कि एनसीबी श्रुति मोदी से सुशांत के घर आने वाले पैकेटों के बारे में पूछताछ कर रही है। श्रुति मोदी सुशांत सिंह राजपूत की बिजनेस मैनेजर थी और कहा जा रहा है कि श्रुति को सुशांत के घर और फार्म हाउस पर होने वाली पार्टियों के बारे में पूरी जानकारी रहती थी। ड्रग्स मामले की सबसे बड़ी पड़ताल, सुशांत की मैनेजर श्रुति से एनसीबी के सवाल, रिया की ड्रग्स मंडली के खोलेंगे राज, श्रुति मोदी सुनाएगी पैकेट की कहानी। सुशांत सिंह की बिजनेस मैनेजर रही श्रुति मोदी वो शख्स हैं जिन्हें सुशांत की तिजोरी से लेकर रिया के खर्चों तक पूरी कहानी जुबानी याद है। इसीलिए एनसीबी ने असलियत जानने के लिए श्रुति मोदी को तलब किया। वो अकेली चश्मदीद गवाह बनकर सामने आ सकती है, जिन्हें पार्टियों में ड्रग्स के पैकेट के बारे में भी हर चीज पता थी। ये वही श्रुति मोदी हैं जिनका नाम सुशांत के पिता ने एफआईआर में रिया के साथ दर्ज कराया था। वैसे ये कहानी सुशांत की मौत की जांच से शुरू हुई है, लेकिन धीरे धीरे ये जांच हाशिए पर चली गई। इसके बाद उभरती है कुछ हीरोइन जिन पर ग्लैमर और पैसे का ऐसा नशा चढ़ा था कि सिर के साथ जिंदगी ही घूम कर रह गई। वैसे तो रिया और उनके भाई शोभी की ड्रग्स मंडली की गिरफ्तारी होते ही इंडस्ट्री के कई नशेबाजों की खुमारी उतरने लगी थी, लेकिन रही सही कसर सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर ने तब पूरी कर दी जब उन्होंने सुशांत के अलावा सारा, रकुल और श्रद्धा जैसी अभिनेत्रियों के भी ड्रग्स पार्टियों में शामिल होने की बात कह दी। और इन सब की सबसे बड़ी गवाह रही श्रुति मोदी, जिनका नाम जया साहा और रिया की ड्रग्स वाली चैट में निकल कर सामने आया था 25 नवंबर 2019 को हुई चैट में। जया ने लिखा, मैंने उसे कहा है श्रुति से संपर्क करने के लिए। इस पर रिया ने जवाब दिया, थैंक यू सो मच। इस पर जया ने कहा, चाय कॉफी या पानी में चार बूंद डालो और उसे पीने दो, 30 से 40 मिनट में किक लगेगी। अब एनसीबी जानना चाहती है कि वो शख्स कौन है जिसे चार बूंद देने की बात हो रही थी।
क्या इस चैट में सुशांत को चार बूंद देने की बात हो रही थी? क्योंकि सुशांत के पिता रिया पर सुशांत को जहर देने का आरोप लगा चुके हैं। इससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि श्रुति मोदी ने सीबीआई की पूछताछ में कबूल किया है कि सुशांत के घर अक्सर पैकेट आते थे और उन्हें बताया गया कि इन पैकेट में प्रीमियम टोबैको है। बाद में फरवरी 2020 में श्रुति ने सुशांत के लिए काम करना बंद कर दिया। श्रुति मोदी ने सीबीआई को दिए अपने बयान में कहा था कि सुशांत की लाइफ स्टाइल में ड्रग्स एक अहम हिस्सा है। यही नहीं, सुशांत के कई फैसले में रिया चक्रवर्ती का सीधा हाथ होता था। यही नहीं, श्रुति मोदी ने सीबीआई की पूछताछ में ये तक कहा था कि सुशांत के लिए जो पार्सल आते थे उन पार्सल को वो केवल सुशांत तक पहुंचाने का काम करती थी। यही वजह है कि तमाम एजेंसियां सुशांत के घर आने वाले हर पार्सल और दवाइयों की तफ्तीश कर रही है कि उनमें किस किस तरह के ड्रग्स शामिल थे। वैसे तो रिया और उनके भाई शोविक की ड्रग्स मंडली की गिरफ्तारी होते ही इंडस्ट्री के कई नशेबाजों की खुबारी उतरने लगी थी, लेकिन पार्टियों के बहाने फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग नशे में किस कदर डूबे रहते हैं ये कभी कोई लुका छिपे की बात नहीं रही। और अब एनसीबी की जांच में एक एक करके कई लोग बेपर्दा होने शुरू हो गए हैं। इससे पहले श्रुति मोदी के वकील भी इसी तरह के आरोप लगा चुके हैं कि सुशांत के घर से लेकर पावना वाले फार्म हाउस तक ड्रग्स पार्टी होती थी जिनमें कई करीबी लोग शामिल होते थे और अब एनसीबी उनके नकाब उतारने में जुटी है।